अयोध्या में भगवान राम के विराजमान होने के लगभग 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान लाखों राम भक्त हर रोज दर्शन और पूजा के लिए अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। अब राम मंदिर ट्रस्ट ने कुछ नई व्यवस्थाओं को लागू करने का विचार किया है, जिससे पूजा और सेवा का माहौल और भी विशेष हो जाएगा। आइए जानते हैं इन नए बदलावों के बारे में। राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रभु श्री राम के गर्भगृह में एक नई व्यवस्था लागू करने का प्लान बनाया है। इसके अंतर्गत राम मंदिर में अब ड्रेस कोड लागू किया जाएगा, जो पुजारियों और अर्चकों के लिए अनिवार्य होगा। सूत्रों के मुताबिक राम मंदिर के पुजारी और अर्चक एक ही ड्रेस कोड में नजर आएंगे, जो चौबंदी साफा और पीले रंग का धोती कुर्ता होगा। ड्रेस कोड लागू करने के साथ ही रामलला के परिसर में कार्यरत अन्य कर्मचारियों का भी ड्रेस कोड तय किया जाएगा। प्रभु राम की सेवा और आराधना के लिए पुजारियों की ड्यूटी अब शिफ्ट वाइज लगाई जाएगी। हर शिफ्ट में एक वरिष्ठ पुजारी, 5 सहायक पुजारी और 5 अर्चक होंगे। इस प्रक्रिया को आने वाले 1 से 2 दिनों में पूरा किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट से मिली जानकारी के अनुसार गर्भगृह में अब कोई भी पुजारी या अर्चक एंड्रॉइड फोन नहीं ले जा सकेंगे। ये कदम पूजा के दौरान ध्यान और समर्पण को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। सहायक पुजारी अशोक उपाध्याय ने बताया कि पुजारियों के लिए एक समान ड्रेस कोड को लेकर चर्चा चल रही थी। इसके तहत चौबंदी साफा, धोती और कुर्ता पीले रंग का होगा। राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त अर्चकों की भी नियुक्ति की जाएगी। पूजा और अर्चना की मौजूदा प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। ये आपस में चर्चा चल रही थी कि पुजारियों का एक अलग ड्रेस कोड होना चाहिए, चौबंदी हो, धोती हो, साफा हो, पीला। कोई सुनिश्चित नहीं है, ये चर्चा चल रही है, मीटिंग होगी। आज सुनाई पड़ रहा है कि आज 20 पुजारी जो हैं प्रशिक्षण किए, उनकी मीटिंग होगी, उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बाद ये निश्चित होगा कि 1 वरिष्ठ पुजारी और 5 सहायक पुजारी, इनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई जाएगी। अभी तक चली आ रही है, वैसे ही होगा। जो वरिष्ठ पुजारी करते हैं वही सहायक पुजारी भी करते हैं। सुबह जा करके भगवान को जगाना मंत्रों के द्वारा, इसके बाद उनको भोग लगाना, फिर आरती करना, मंगला आरती करना। मंगला आरती के बाद फिर पट बंद करके वस्त्र को उतारा जाता है, पुरुष सूत्र से उनको स्नान कराया जाता है। स्नान कराने के बाद फिर नए वस्त्र धारण कराए जाते हैं, फिर उनका श्रृंगार होता है, भोग होता है, आरती। ये प्रक्रिया चलती है पर डे। हमको भी पता चला है कि जो है अब पुजारी चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, एंड्रॉइड मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, उसका प्रयोग नहीं कर सकेंगे। लोकलिटीन के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।